करंट, डायरेक्ट करंट क्या है, आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम से ही पता चलता है डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जहां से करंट आ रहा है और जहां करंट जा रहा है इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है, मतलब डायरेक्ट है, इसीलिए नाम इसका पड़ा है डायरेक्ट करंट। दूसरा पॉइंट है, जो डीसी करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका मतलब हुआ अगर कि हमारे पास दो वायर है, एक ब्लैक वायर एक रेड वायर, तो जो चीज़ ब्लैक वायर में फ्लो कर रहा है वो तो ब्लैक से ही करेगा, वो रेड से फ्लो नहीं करेगा, और जो रेड से फ्लो कर रहा है वो रेड में ही फ्लो करेगा, ब्लैक से नहीं कर सकता, मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट ये है, मैग्नीट्यूड जो है डीसी करंट का वो कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। अगर वो चेंज होगा भी, इसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा भी, तो वो एक ही डायरेक्शन में चेंज होगा। कैसे जरा देखते हैं, इस फिगर में हम देख पाएंगे इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मतलब इस पॉइंट पर जितना है वो इस पॉइंट पर उतना ही है, लाइन में जहां तक ये जाएगा कहीं भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट ये, इसी में दूसरा पॉइंट है, अगर इसमें चेंजिंग होगा टाइम के साथ, टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंजिंग होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि हमने इससे पहले पॉइंट में देखा था कि डीसी करंट क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम इस फिगर में देखते हैं, एक्सिस जानते ही हो, ये एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, तो ये ऊपर ही है, नीचे नहीं आ पाया है। जैसे कि हम लोग इस फिगर में देखा था ये एक्सिस के ये ऊपर ही फ्लो कर रहा था ये वाला लाइन, वैसे ही अगर ये लाइन जो है ये जो ऐसे करके रेड वाला फ्लो कर रहा है तो ये ऊपर ही है, नीचे नहीं है, मतलब कि वो सिंग एक ही डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं आया है, नीचे के डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं कर रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, चेंजिंग हो रहा है। तो देख पा रहे हम, ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आ गया, मतलब जीरो पे आ गया, फिर ऊपर गया फिर जीरो पे आ गया, फिर ऊपर गया फिर जीरो पे, फिर ऊपर गया फिर जीरो पे आ गया, मतलब ये चेंजिंग हो रहा है, लेकिन चेंजिंग भी क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसमें देखो कोई चेंजिंग नहीं है, जो कांस्टेंट वो फ्लो कर रहा है। तो एक मैग्नीट्यूड है जो कि कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा है कि जो वेरिएबल है, मतलब चेंजिंग है भी तो वो सिंगल डायरेक्शन। इसके बाद वाला पॉइंट में देखते हैं, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जीरो फ्रीक्वेंसी होता है, और ये जीरो फ्रीक्वेंसी कब होगा, जो डीसी करंट होगा वो प्योर होगा, और प्योर कहां से मिलेगा, प्योर डीसी करंट जो मिलेगा वो बैटरी और सोलर पैनल से ही, सिर्फ इन दोनों चीजों से ही डीसी करंट मिलता है, वो प्योर मिलता है। जब वो प्योर होगा तब वो उसका फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, लेकिन अगर इम्प्योर है, इम्प्योर कैसे होगा पहले इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, जो एसी करंट को हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में, तो वो डीसी जो होता है वो इम्प्योर होता है, मतलब प्योर नहीं होता वो, तो उसमें क्या होगा, उस डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी आएगा, तो वो फ्रीक्वेंसी जो होगा ओनली वन साइड में होगा। तो देख पाते हैं हम यहाँ पे, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है, कॉन्स्टेंट वो फ्लो कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्योर वाला, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा हमें, बैटरी और सोलर पैनल से, और ये इम्प्योर है, इम्प्योर जो है ये भी देखो एक ही साइड में, मतलब कि वो नीचे नहीं फ्लो कर रहा है, सिर्फ ऊपर ही फ्लो कर रहा है, इस एक्सिस के सिर्फ ऊपर ही फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम इसे बोलेंगे डीसी करंट तो है पर ये इम्प्योर है और सिंगल साइड में, यानी वन साइड में ये फ्लो कर रहा है। इक्विपमेंट्स गैजेट जो आप यूज करते हो जिसमें एसी सप्लाई तो देते हो, पर इनर पार्ट में क्या होता है कि वो उसे कन्वर्ट कर लेता है, यानी चेंज कर लेता है डीसी करंट में, जैसे कि आपका लैपटॉप, जैसे कि आपका टीवी जिसमें मदरबोर्ड लगे होते हैं, मदरबोर्ड में क्या होता है कि डीसी करंट सप्लाई होता है, आप देते तो उसे एसी हो, लेकिन वो क्या करता है, अंदर में जो किट होते हैं वो उसे कन्वर्ट डीसी में कर लेता है, लेकिन वो कन्वर्ट तो डीसी में कर लेता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी तब भी वो रहता है, वो जीरो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसलिए हमने इसे नाम दिया इम्प्योर। तो एक प्योर वाला है, और इम्प्योर भी दो तीन तरह का होता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इस पर किसी एक वीडियो में स्पेशली बात करेंगे हम, जिस वीडियो में भी एसी और डीसी को चेंज करेंगे उस वीडियो में हम इसे डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल हमने समझा कि कौन सा ग्राफ प्योर वाला है, कौन सा इम्प्योर वाला है, तो ये दोनों इम्प्योर वाला है। आगे चलते हैं, डीसी करंट में कोई पावर फैक्टर नहीं होता, आपको पता ही है कि पावर फैक्टर वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि एसी करंट में पावर फैक्टर होता है, डीसी करंट में पावर फैक्टर नहीं होता। पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, पावर फैक्टर किस चीजों में होता है, कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इस पे मैं स्पेशली वीडियो बना के अपलोड भी कर चुका हूं, आप देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर सजेशन में चार वीडियो आएगा, उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो डीसी में पावर फैक्टर जो होता है वो नहीं होता, तो ये चीज बेनिफिट है डीसी का। डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके जरिए करता है, इन्वर्टर के जरिए। इन्वर्टर क्या करता है, उसको सिंगल फेज या थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे चाहे जैसा इन्वर्टर आप लोगे, सिंगल फेज वाला या थ्री फेज वाला। तो हम डीसी को जब एसी में कन्वर्ट करते हैं तो सिंगल और थ्री फेज दोनों कर सकते हैं। डीसी जो है वो पोर्टेबल है, यानी हम उसे कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, जैसे कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो वो भी पोर्टेबल डीसी इक्विपमेंट में देख रहे हो, यानी आप अपने फोन में दे या लैपटॉप में देख पा रहे हो। बैटरी का यूज जिस भी चीज में हो रहा है, जिस भी इक्विपमेंट में हो रहा है, वो पोर्टेबल कराता है, वो डीसी से चल रहा है,
चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, रेडियो हो, मीटर हो, जिसमें कि बैटरी लगा हुआ होता है। तो डीसी करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी हम लेके जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो सप्लाई देता है वो डीसी करंट सप्लाई नहीं देता। आप कहीं भी इंडिया में, इंडिया का बात कर रहे हैं हम, इंडिया में कहीं भी आप देख लोगे पावर बोर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो देगा वो डीसी करंट कहीं सप्लाई नहीं देगा। इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट करके दे या किसी और चीज से करके दे, चाहे वो बैटरी से क्यों ना दे, वो आपको कन्वर्ट करके एसी में देन आपको सप्लाई करेगा, डीसी में डायरेक्टली सप्लाई नहीं करेगा। डीसी में जो प्रोटेक्ट करते हैं डीसी करंट से खुद को या इक्विपमेंट को, तो ये क्रिटिकल है, टफ है। इसी क्रिटिकल चीज की वजह से जो इसका इक्विपमेंट, जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनता है, चाहे वो डीसी एमसीबी हो, बाकी डीसी प्रोटेक्शन डिवाइस जो है, वो ज्यादा कॉस्टली होता है एसी के मुकाबले। डीसी एमसीबी जो आप लगाओगे घर में, चाहे वो सोलर में लगाओ या नॉर्मल बैटरी के लिए लगाओ, तो वो ज्यादा कॉस्टली होगा नॉर्मल एमसीबी के मुकाबले। अगला पॉइंट ये, एक डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। डीसी एक ऐसा करंट है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, किसमें, तो बैटरी में। और डीसी को स्टोर करने के लिए हमें डीसी करंट ही चाहिए होता है, यानी हम बैटरी में जब स्टोर करेंगे तो हमें डीसी करंट ही चाहिए होगा, हमें एसी करंट नहीं चाहिए होगा। हमें डीसी करंट को डायरेक्टली हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी गैजेट के जरिए हम डायरेक्टली उस डीसी को बैटरी में क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, डीसी में एक डिमेरिट है। डीसी का अगर वोल्टेज अगर आपको अप या डाउन करना है, मतलब अगर डीसी का वोल्टेज 12 वोल्ट है, उसको ज्यादा करना है डीसी में ही, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट चाहिए होगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहिए होगा, बहुत बड़ा सर्किट लगता है, देन वो आप वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हो डीसी में। अगर आपको 12 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट चाहिए या 6 वोल्ट चाहिए, देन आपको क्या होगा, एक बड़ा सर्किट लगाना पड़ेगा, बड़ा डिवाइस लगेगा, देन आप उसको वोल्टेज कम कर सकोगे डीसी में। अगला पॉइंट है, डीसी का जो यूज करते हैं वो अक्सर छोटे छोटे पावर वाला, छोटे छोटे गैजेट वाला जो इक्विपमेंट्स है उसमें हम लोग यूज करते हैं। बड़े बड़े गैजेट, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में हम लोग डीसी को यूज नहीं करते हैं। जैसे एसी हुआ, जैसे आपका फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, फैन, तो ये सब चीज जो है एसी से चलने वाला है, डीसी से चलने वाला नहीं है। हालांकि अब अवेलेबल होने लगा है, अब डीसी से चलने वाला भी बहुत सारे इक्विपमेंट अब आने लगे हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोग सोलर का यूज करते हैं, तो सोलर में बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, बड़े बड़े प्लांट के जरिए हम बाकी इक्विपमेंट भी चला सकते हैं, डायरेक्टली आप डीसी से चला सकते हो, तो ये भी हालांकि अब अवेलेबल है। डिसएडवांटेज ही बोल सकते हैं हम इसको, कि डीसी का जो ट्रांसमिशन जो हम करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, इसका लॉसेस बहुत होता है। अगर आप ऊपर जो सोलर पैनल लगाते हो, तो छत पे लगाते हो, और उसका जब हम कनेक्शन नीचे लाते हो, नीचे बैटरी लगाते हो, नीचे इन्वर्टर लगाते हो, तो उसका जो लेंथ होता है वायर का, जितना ज़्यादा लंबा रखोगे उतना लॉसेस आपको ज़्यादा होगा, तो ये ट्रांसमिशन लॉसेस इसका ज़्यादा होता है डीसी में। तो डीसी में दो वायर होता है, एक माइनस एक प्लस, पॉजिटिव एक निगेटिव बोलते हैं, या ब्लैक या रेड बोलते हैं। और आपको पॉजिटिव में पॉजिटिव ही जोड़ना होता है, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ना है, आप अपोजिट नहीं जोड़ सकते हो डीसी में। इसके बाद चलते हैं कि डीसी को अगर हम जनरेट करते हैं, जनरेटर के जरिए जनरेट कर सकते हैं। हालांकि सबसे पहले जो डीसी आपका खोज हुआ था, तो वो जनरेटर के जरिए ही जनरेट किया गया था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर आए तो आप रिप्लाई देना, मुझे कमेंट करना। आपको ये बताना है कि डीसी करंट का खोज किसने किया। अगर आपको इसका आंसर, इसका जवाब आता है, देन आप कमेंट करो, बताओ कि डीसी करंट का खोज किसने किया। क्योंकि अभी एक पॉइंट आया कि डीसी करंट का जो खोज हुआ था वो सबसे पहले जनरेटर के जरिए हुआ था, नहीं, जनरेटर से ही डीसी करंट जनरेट हुआ था सबसे पहले। जब जनरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जनरेटर तो लगा होता है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा क्या होता है, रिपेल लगा होता है, उस रिपेल की वजह से डीसी करंट जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि डीसी करंट जनरेट हम किन किन चीजों से कर सकते हैं। तो डीसी करंट जनरेट हम सिर्फ दो चीजों से कर सकते हैं, एक डीसी जनरेटर के जरिए, दूसरा सोलर पैनल के जरिए। और आप सोचते होंगे कि बैटरी भी तो है, बैटरी जनरेट नहीं करता। मैं आपको बता दूं, बैटरी जनरेट नहीं करता, वो बस स्टोर करके रखता है, एक तरह का स्टोरेज बैंक है वो। हम जनरेट करते हैं इन्हीं दोनों चीजों से, चाहे डीसी जनरेटर हो या फिर सोलर पैनल हो, तो इन दोनों चीजों से जनरेट करके हम बैटरी में क्या करते हैं।